all 10 lines. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give. You're just so stunning. You. I know that something special made me think about you. Hey guys, welcome back to my channel Ruchi Deep. कैसे हो आप लोग? I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. मीठी देख रही है अभी, देखिए टीवी देख रही है. मीठी मीठी आ गई, मीठी आ गई. मीठी हाय कर दो. हाय. फ्लाई किस दे दो. बोलो कैसे हो? कैसे हो? और क्या बोलोगी? बाय. अब बाय बोल दो. बाय. तो गाइज अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. टाइम देखिए 1 बज गया है और 1 बजे तक मेरा सब कुछ हो गया है. नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना पीना सब कुछ हो गया है. अभी फ्री हुई हूँ. चलो स्टार्ट कर लेते हैं तो सब कुछ करेंगे. वैसे आज खाने में जो भी बनाया है कुछ भी शेयर नहीं किया है. राजमा चावल बनाई थी और मिट्टी के लिए थोड़ा सा दाल बनाई थी. तो ये देखो, ये कॉपीराइट का कुछ समझ में नहीं आता है. कभी कभी किसी किसी के वीडियो पे गाना मैं सुनती हूँ तो उस पर कॉपीराइट आता है या नहीं, या फिर कैसे गाना लगाते हैं मुझे नहीं पता. बट मेरे किसी भी वीडियो में अगर बैकग्राउंड से भी सॉन्ग आ जाता है तो फटक से वो कॉपीराइट आ जाता है. इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रैम्स चल रहा है वैसे तो. बट रैम्स पे आता है कॉपीराइट, नहीं आता है पता नहीं. बट मुझे डर लग रहा है क्योंकि आ जाने पे आप उसको ठीक करो ये वो, तो फिर इसलिए मैं हटा ही दी यहाँ से. और वैसे तो मिट्टी इधर उधर खेलती रहती है बट क्या है ना कि मेरे घर पे मम्मी लोग, मेरी सासू माँ लोग मिट्टी से बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है मिट्टी कुछ कुछ ऐसा वर्ड बोल जाती है जो कि फ़ोन पे या फिर वीडियो कॉल में नहीं बोल पाती है. तो मैं सोचती हूँ कि रिकॉर्ड करूँ और इसी बहाने वो लोग सुनेंगे भी. बट यहाँ पर बैकग्राउंड में वही राइम्स चल रहा है जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है यहाँ पर. तो ये देखिए टीवी बंद कर दिया है मैंने और अब मीठी का सोने का टाइम हो गया है. 1 बज रहा है तो 1 बजे से 5 बजे तक ये सोएगी. और लेना दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो. कहाँ ये दिन नहीं दिख रहा है बेटा? कैसा है, कैसा है, कैसा है? और ये रहे मेरे लंबे लंबे बाल जिसको कटवाने वाली हूँ मैं. मतलब लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत लंबा है. इससे ज़्यादा लंबा होगा भी नहीं और कटवाना है. पता नहीं क्यों, मतलब कि उलझता है यार. थोड़ा सा भी लंबा बाल हो जाता है तो इतना मतलब ये नहीं हो पाता है. तो सोच रही हूँ कटवाने का. और मतलब कि छोटा बाल हो तो आप खोल के भी रख सकते हो, क्लच भी कर सकते हो. और लंबा बाल को हमेशा खोल के भी नहीं रख सकते हैं और क्लच करके तो पूरा मेरा इतना सिल्की बाल है, एक एक करके पूरा निकल ही जाता है. क्लच करके रहता भी नहीं है. चलो देते. तो इसलिए सोच रही हूँ ना बाल कटवाने का. बट कहाँ कटवाए कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी लॉकडाउन है. पता ही नहीं है कि कहाँ कटवाना है. नहीं होगा तो इनसे कटवाएंगे, मीठी के पापा से. देखते हैं वो कैसा काटते हैं बाल. पता नहीं काटेंगे या नहीं काटेंगे. जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कैसे काट रहे हैं बाल. और जब लंबा बाल रहता है ना तो सबसे ज्यादा मेरा क्या प्रॉब्लम है पता है लंबे बालों में? सोने में. क्योंकि बाल मेरा आदत है पौनी करने का, मतलब पौनी करके ही बाल रखना है या फिर जूड़ा बना लिया. जूड़ा तो मेरे पे अच्छा भी नहीं लगता और ना ही अच्छा बनाने आता है. तो पौनी करके यहाँ पे मतलब कि सोने में नहीं बनता है. जब यहाँ पौनी रहता है तो ऊपर कर लो तो ऊपर में भी नहीं, खोल के भी नहीं रख सकते. इतना लंबा बाल खोल के कैसे सोएंगे. तो सोने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बाल जब बड़ा रहता. तो और वैसे भी गर्मी का टाइम आया
तो गर्मी में और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। छोटा बाल रखो, हर दो दिन पे बाल धो, शैम्पू करो और फ्रेश रहेगा। वैसे भी गर्मी के मौसम में दो दिन पे ही शैम्पू करो तभी बाल फ्रेश रहेगा, नहीं तो अगर आप एकदम तेलीय बाल रखना चाहते हैं तो रखो, एकदम ऑयली ऑयली हो जाता है, दो चार दिन के बाद ऑयली ऑयली हो जाता है। जिस दिन बाल धो उस दिन अच्छा लगेगा, उसके कल होकर अच्छा लगेगा, परसों से वो डल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऑयली हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ मीठी को सुलाने, खाना पीना सब कुछ हो चुका है, मैंने पहले भी बताया है। और मीठी के पापा कहीं काम से गए हैं, आज उनका ऑफिस नहीं था, कहीं गए हैं काम से, तो बस इसको सुलाऊंगी। उसके बाद आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करना है और मैं दिखाती हूँ बाद में, चलो मीठी को सुलाती हूँ, तब तक लिए बाय बाय कर बाय। नहीं दिख रहा बेटा, यहाँ पे आओ, बाय। हे गाइस, तो आज के इस ब्लॉग में ही मैं शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू, जो कि एक कढ़ाई का रिव्यू है, स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। तो पहले तो सोचा था कि अलग से रिव्यू कर दूंगी, फिर सोचा कि क्यों ना ब्लॉग में ही ऐड कर दिया जाए, इसको दिखा दिया जाए। तो इसको आए हुए लगभग 5-6 दिन हो चुका है और अभी कोरोना का टाइम है, तो जैसे ही कुछ बाहर से आता है तो उसको 4-5 दिन के लिए आप बाहर रख दो, जैसे रिसीव करते हो बाहर रख दो, फिर सैनिटाइज कर लो या हाथ धो लो जो भी करना है, बट तुरंत मतलब नहीं खोलती हूँ मैं। तो 4-5 दिन हो गया था ये अलग रखा हुआ था, मैं सोच रही थी पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसके बाद ही इसको यूज करूंगी। तो यूज करने से पहले आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है कढ़ाई, एक बार खुल चुका है, फिर अभी इसमें डाल दी थी आप लोगों को दिखाने के लिए, ये इसका लीड है, अभी ओपन करती हूँ मैं। और ये है कढ़ाई, तो सबसे पहले ये है इसका लीड इस तरीके का, और बहुत स्ट्रांग लीड है, अभी तो मैंने यूज नहीं किया है, जस्ट अभी मंगाया है, तो यूज करने के बाद भी बताऊंगी, इसीलिए मैंने ब्लॉग में ये शेयर किया है, अलग से रिव्यू नहीं किया है, कि ब्लॉग में अगर कोई पूछेगा भी तो मैं बता सकती हूँ, कि बहुत लोग लेने वाले होंगे कहीं। तो ये देखिए, ये है इसका लीड और ये है कढ़ाई। कितने लीटर का जी? तीन। तो ये है कढ़ाई, मैं इसको ज़्यादा थिक नहीं बोलूँगी और ना ही ज़्यादा थिन है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है ये और ना ही ज़्यादा पतला है, बनाऊँगी उसके बाद पता चलेगा कि कैसा है। ये 3 लीटर का कढ़ाई है और 3 लीटर में मतलब जो इसका शेप है उस तरीके से ज़्यादा बड़ा लगता है, मतलब कि 3 लीटर का है बट बड़ा लग रहा है दिखने में। तो पहले तो मैं बता दूं, जो लोग नॉनस्टिक यूज करते हैं, अगर अच्छे से यूज करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन मैं नॉनस्टिक भी यूज करती हूँ, अभी भी करती हूँ, बट उसमें क्या होता है, अगर स्पैचुला यूज करते हो तब सही है, अगर छोलनी लगा देते हो तो फिर वो खराब हो जाता है, अगर आप स्कॉच जो होता है ग्रीन वाला वो लगा देते हो तो खराब हो जाता है, उसमें एकदम सॉफ्ट वाला जो होता है उसके लिए जो आता है नॉनस्टिक के लिए वो यूज करते हैं तभी सही रहता है। तो हम जैसे मतलब सब लोगों के साथ नहीं होता होगा बट मेरे से ऐसा हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने छोलनी ही यूज किया है, तो अभी स्पैचुला यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, बट कभी कभार गलती से लग जाता है, छोलनी भी लग जाता है, या फिर कभी कभार ग्रीन वाला जो बर्तन मारने वाला होता है उसे भी मैं धो देती हूँ, तो इस वजह से खराब हो जाता है। और वैसे भी मैंने सोचा था कि एक बार ये भी यूज करके देखूँ, क्योंकि इससे पहले मैं यूज नहीं की थी, तो इसलिए ये मंगाया है और इसमें बनाऊंगी, उसके बाद जो इसका रिव्यू होता है वो भी मैं किसी ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा ये कढ़ाई, अगर आप लोगों को लेना हो तो मैं थोड़े दिन बाद बताऊंगी कि ये कैसा है, पकाने में कैसा है, इसमें खाना जब पकाते हैं तो सही है या नहीं, तो आप लोग भी ले लीजिएगा, और जिनको भी जरूरत होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो ये इस तरह का लुक है, तो ये पिजन कंपनी का स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। अगर आप लोगों को पसंद आए ये वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।